नमस्कार जी, आप सभी का एजुकेशन नॉलेज ट्यूब पे हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी विद्यार्थी, कृपया ध्यान दें, 70,000 पाने का अंतिम दिन स्कॉलरशिप फॉरम 2021 नेशनल स्कॉलरशिप व बीआर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिएगा, अगर आप 10वीं एंड 12वीं कक्षा पास हैं, वीडियो लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लें, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन मांगे गए थे, जो बी आर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे थे। सरल हरियाणा की ऑफिशियल साइट जो कि sarlhariana.gov.in है, इस वेबसाइट से, सरल हरियाणा की ऑफिशियल साइट से SC&BC डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है 8,000 रुपये, ठीक है, जिसके लिए अभी डेट 31 अक्टूबर ही है, इसकी अभी डेट एक्सटेंड नहीं की गई है और आप इसे 2 दिन के भीतर भर लीजिएगा। जैसे एक्सटेंड होती है इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में बता देते हैं। वो आपको 50,000 रुपये प्लस आपको दिए जाते हैं। आपको बता देते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से, नेशनल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई करने निकाले हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी पता भी नहीं चला था और इनकी लास्ट डेट जाने वाली थी, लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप की साइट नहीं चलने की वजह से भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और नेशनल स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इन सभी की डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया है। पहले यह 31 तारीख तक भरे जाने थे, अब इसको 31/11 यानी कि 30 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और जो वेरिफिकेशन होना है कॉलेज या फिर स्कूल की तरफ से, उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, 15/12 यानी कि 15 दिसंबर तक स्कूल या कॉलेज भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक की भी यहाँ पे देख सकते हैं, प्री मैट्रिक की भी यहाँ पे देख सकते हैं, सभी की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इनकी आज लास्ट डेट थी, साइट नेक चलने की वजह से एक्सटेंड कर दी गई। आप फॉर्म जरूर से भरिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।